डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा फेरबदल, भारत का कटा पत्ता तो साउथ अफ्रीका की आई सत्ता। तो सेंचुरियन टेस्ट में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के हाथों पारी और 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा और इस बड़ी हार के कारण भारतीय टीम का डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल से पत्ता कट चुका है। जो टीम इस मुकाबले के शुरू होने से पहले इस पॉइंट्स टेबल पर पहले स्थान पर थी वो अब खिसक कर पांचवें स्थान पर आ गई है। तो वहीं जो टीम इस डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल के शुरुआत से पहले लगभग निचले पायदान पर थी साउथ अफ्रीका, उसने इस शानदार जानदार धमाकेदार जीत के साथ पहले स्थान पर अपना कब्जा जमा लिया है, यानी कि साउथ अफ्रीका की सत्ता आ गई है। भारतीय टीम का पहले स्थान से पत्ता कट गया और अब वो पांचवें स्थान पर आ गए। यही नहीं, साउथ अफ्रीका के अलावा पाकिस्तान जैसी टीमों को भी भारतीय टीम के इस हार के कारण बड़ा फायदा पहुंचा है। तो आइए हम लोग डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, देख लेते हैं कि पहले स्थान पे किसका कब्जा है। तो वहीं भारतीय टीम का इस पॉइंट्स टेबल में चौथा स्थान हो गया और बाकी टीमें कैसी लड़ाई लड़ रही हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर पॉइंट्स टेबल आ गया। पहले स्थान पर इस श्रृंखला से पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो पहला मुकाबला हुआ उससे पहले भारतीय टीम थी, जहां से उसका पत्ता कट चुका है और साउथ अफ्रीका जो लगभग निचले पायदान पर थी वो अब पहले पायदान पर आ गई है। यहां पर पहले स्थान पे 100 पीसीटी पॉइंट्स के साथ साउथ अफ्रीका है, 12 पॉइंट्स है इनके। पाकिस्तान दूसरे पॉइंट पे है 61.11 पीसीटी पॉइंट के साथ, 22 पॉइंट्स इन्होंने अर्जित किए हैं। न्यूजीलैंड टीम तीसरे 50 पीसीटी पॉइंट के साथ, 12 पॉइंट इनके नाम है। इंग्लैंड बांग्लादेश चौथे, इनके नाम भी 12 पॉइंट्स है। पांचवें नंबर पे भारतीय टीम आ चुकी है, 44.44 पीसीटी पॉइंट है। यहां पर वेस्टइंडीज के खिलाफ जो दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला हुई थी वो भारतीय टीम के इस डब्ल्यूटीसी साइकिल में काउंट हुआ है और ये मुकाबला। तो तीन मुकाबले इस डब्ल्यूटीसी साइकिल में भारतीय टीम ने खेले हैं, जिसमें एक में जीत, एक में हार और एक मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ ड्रा हुआ है, जिस कारण भारतीय टीम के 44.44 पीसीटी पॉइंट्स हैं। 16 पॉइंट्स इनके नाम अंकित हैं, एक में जीत, एक में हार और एक मुकाबला ड्रा, यानी कि जो आगे का सफर है भारतीय टीम के लिए वो बहुत ही कठिन हो गया है। यहां पर भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ इसके बाद 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेलनी है, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलनी है, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाकर कंगारुओं को हराना पड़ेगा। तो चीजें मुश्किल हो गई हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर भारतीय टीम जीत जाती है तो फिर राह भारतीय टीम की डब्ल्यूटीसी अगले साइकिल के लिए 2025 में जो फाइनल होगा उसके लिए थोड़ी आसान हो जाती। कंगारू टीम 41.67 पीटीसी पॉइंट के पीसीटी पॉइंट के साथ छठे, वेस्टइंडीज सातवें 16.6 पीसीटी पॉइंट के साथ, इंग्लैंड आठवें 15 पीसीटी पॉइंट के साथ और श्रीलंका अभी खाता भी नहीं खोल पाई है इस डब्ल्यूटीसी साइकिल में। दो मुकाबले खेले हैं, दो के दोनों में हार का सामना करना पड़ा है। तो ये पूरा सूरत हाल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल का और यहां पर भारतीय टीम को जरूर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वेस्टइंडीज खिलाफ एक जो मुकाबला ड्रा हुआ है वहां पर भारतीय टीम को घाटा हुआ है, फिर उसके बाद इस मुकाबले में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको हार का सामना करना पड़ा है, बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, जिस कारण भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान टीम जरूर इस पॉइंट्स टेबल में मजबूत हुई है, दूसरे पायदान पर आ गई है, वहीं साउथ अफ्रीका ने लंबी छलांग लगाते हुए निचले पायदान से लगभग पहले पायदान पर अपना कब्जा का माल जमा लिया और चीजें अब भारतीय टीम के लिए थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला है, हालांकि वो भारत में है, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ है और जो सबसे कठिन टेस्ट श्रृंखला होने वाला है वो कंगारुओं के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में जो श्रृंखला है वहां पर थोड़ा सा भारतीय टीम को जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो आज के अपनी इस रिपोर्ट में बस इतना ही, आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।